तीसरा पॉइंट है साकेत बौद्ध स्थल है, तो साकेत का मुद्दा भी महत्वपूर्ण है। चलिए इसके बारे में क्या कहा है वो देख लेते हैं। बाबरी मस्जिद एक षड्यंत्र के तहत गिराई गई, उसके बाद ही इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व विभाग को उस जमीन के नीचे क्या है इसकी जांच करने के लिए उत्खनन करने का आदेश दिया। सन 2002-2003 को उस जगह का उत्खनन किया गया। रिपोर्ट में वह स्थान बौद्धों का है यह भी मान्य किया गया, लेकिन उस रिपोर्ट को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया। अब सबूत है तो मानना तो पड़ेगा, लेकिन सार्वजनिक नहीं किया। सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट में भी यह बात स्वीकारी गई कि मुस्लिम पार्टी के वकील ने यह मान्य किया था कि उस जमीन के नीचे बौद्ध स्तूप है, लेकिन कोर्ट ने उस मुद्दे पर चर्चा नहीं होने दी। इससे सिद्ध होता है कि न्यायपालिका ने निष्पक्ष और न्याय कानून के मापदंड के आधार पर फैसला नहीं दिया, बल्कि श्रद्धा और आस्था के आधार पर फैसला दिया। यह फैसला जायज और कानूनी कैसे माना जा सकता है, जबकि पहले से ही बौद्ध पार्टी की केस चल रही थी, उसकी आगे कोई सुनवाई ही नहीं हुई। लॉकडाउन का सहारा लेकर सम्राट अशोक के धरोहर पर इस प्रकार से आरएसएस बीजेपी के ब्राह्मणों ने अतिक्रमण करके कब्जा किया। तो ये साकेत का मैटर बताया है कि इस पर किस तरीके से अवैध रूप से कब्जा किया गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में बौद्धों की पार्टी वो अपना 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 सबूत और सारी चीज़ पेश ही नहीं कर पाई, मतलब वो कार्रवाई नहीं की गई, बौद्धों की बात ही नहीं सुनी गई, ये सारी जानकारी इसमें बताई गई है। चौथा है महाबोधि महाविहार पर से विदेशी ब्राह्मणों का कब्जा हटाया जाए। जो बिहार में बुद्ध गया है, जहाँ पर तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, तो वहाँ महाबोधि महाविहार है, उस महाविहार पर ब्राह्मणों का कब्जा है, कमिटी बनाकर कब्जा है, उसे हटाया जाए, ऐसा ही पॉइंट है। तो इसमें ये पूरा क्लियर अभी देखते हैं क्या क्या है। तथाकथित आज़ादी को बौद्ध राष्ट्रों का समर्थन हासिल करने के लिए मोहनदास करमचंद गांधी ने आश्वासन दिया था कि भारत पर ब्रिटिशों का राज्य है, और भारत को आज़ाद कराने के लिए बौद्ध राष्ट्र अगर समर्थन देते हैं तो बौद्ध गया को बौद्धों के हवाले सौंप दिया जाएगा। गांधी ने ये क्या कहते हैं आश्वासन दिया था। नाटक के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई, मगर भारत आज़ाद होते ही बौद्ध गया पर नाजायज तरीके से ब्राह्मणों ने कब्जा किया, और नेहरू के द्वारा महाबोधि मंदिर अधिनियम 1949 बनाकर 5 सदस्य ब्राह्मण रहेंगे और बाकी 4 सदस्य बौद्ध रहेंगे, ऐसा प्रावधान करके उस पर ब्राह्मणों का कब्जा कराया गया। महाबोधि मंदिर अधिनियम 1949 यह पूर्णतः ब्राह्मणों का नाजायज कब्जा कराने के लिए बनाया गया है, जिसमें बौद्ध गया महाबोधि विहार का मालिक महंत ब्राह्मण को दिखाया गया है। इसमें क्लॉज नंबर 10 और 11 में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि बौद्धों के इस पवित्र महाविहार में पूजा अर्चना करना और मंदिर भूमि में पिंडदान का समुचित निष्पादन करना यह समिति का काम होगा। आगे यह भी लिखा गया है कि बौद्धों के इस पवित्र महाविहार में ब्राह्मणों को पूजा अर्चना या पिंडदान करने के लिए मंदिर और मंदिर भूमि में जाने की छूट होगी। इस तरह यह कानून बौद्धों के इस पवित्र स्थल पर ब्राह्मणों का अतिक्रमण कराता है, इसलिए इस कानून को तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाना चाहिए। यह अधिनियम रद्द होना चाहिए और बौद्ध गया विश्व धरोहर होने के कारण उस पर केवल बौद्धों का ही नियंत्रण होना चाहिए, महंत ब्राह्मणों का कब्जा वहां से हटाना चाहिए। उस महंत ब्राह्मण के निवास में बुद्ध की सैकड़ों मूर्तियां और अभिलेख पड़े हुए हैं, उसे तुरंत से पुरातत्व विभाग के बौद्ध गया संग्रहालय में शिफ्ट कर संरक्षित करना चाहिए। उस प्राचीन धरोहर को संरक्षित न कर भारतीय पुरातत्व विभाग ब्राह्मणों का साथ दे रही है।
तो ये महाबोधि महाविहार का मामला है, वहाँ पर ब्राह्मणों का कब्जा किया हुआ है। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आखिर वो कब्जा क्यों किए हुए है। अभी फिलहाल ज्ञापन के मुद्दे पर